चलिए अब रुक कर देते हैं अगली खबर की ओर, जो जोधपुर से सामने आ रही है। जहां पर आप सभी को बता दूं कि जोधपुर के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स की पिटाई की जा रही है। पिटाई करने के बाद में उसे पेड़ से भी बांधा जाता है और उसके बाल काट दिए जाते हैं, और साथ ही उसके मुंह पर कालीख भी पोत दी जाती है। यह पूरा मामला सोशल मीडिया के ऊपर अभी वायरल होता हुआ जा रहा है, जिससे हम आप सभी को रूबरू करेंगे। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, वह हम आप सभी को बता दें कि एक युवक को झांसा देकर के अपनी दो बेटियों से शादी और सगाई का बहाना देते हुए उसको फंसाने का यह पूरा मामला सामने आया है। और इसी के अंतर्गत जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो दूसरे पक्ष ने उस व्यक्ति को पेड़ से बांध दिया, उसकी पिटाई करी जमकर के, और जमकर पिटाई करने के बाद में उसके बाल काट दिए और मुंह पर काली पोत दी। हाल फिलहाल अभी इस मामले के अंदर क्या कुछ अपडेट से सामने आ रही है, क्या ये वीडियो बयां कर रहा है, सीधा रूबरू कराते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति के साथ में मारपीट की जा रही है। शख्स को धमकी दी गई और माफी मंगवाई गई। उसके साथ मारपीट करते हुए रात भर बंधक बना करके रखा गया, और बंधक बनाने के बाद में सुबह शख्स के सिर के आधे बाल काट करके मुंह काला किया गया और फिर उसे छोड़ दिया गया। युवक के साथ इतनी मारपीट क्यों की गई, ये जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। शख्स ने एक कुंवारे युवक को ठगी का शिकार बनाते हुए कहा कि मेरी दो बेटियां हैं, मैं आपके यहां पर उनकी सगाई कर दूंगा। अपनी बेटियों की सगाई का झांसा देकर के ठगी करने वाले शख्स को ठगी के शिकार हुए परिवार ने जम करके पीटा है, बाल काट दिए, मुंह काला कर दिया। मामला जोधपुर के खेड़ापा थाना क्षेत्र का है, जहां पर किंजरी गांव निवासी देवी सिंह नाम के एक व्यक्ति को ठगी की घटना को अंजाम देना भारी पड़ गया। जयहोर सिंह नाम के ठगी के शिकार व्यक्ति ने देवी सिंह को जो इंतरा गांव में बंधक बना करके रात को मारपीट की और सुबह पेड़ से बांध करके उसके आधे बाल भी काट दिए। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।